हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंदर हमने वन्य जीव और वन संसाधन के बारे में पढ़े थे, तो उसके आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो प्रश्न अभ्यास हैं वह आप लोगों को करने हैं। ये जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सी वनस्पति जाति प्राणी जाति में हास सही कारण नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ये आप लोगों को करने हैं। जैसे इसमें इनमें से कौन सी टिप्पणी प्रत्येक प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जाति हास का सही कारण नहीं है। अब इसमें से क्या है, जैसे कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास योजना है, पशु चारण या ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो इसमें हम देखेंगे कि प्राकृतिक जाति हास का सही कारण क्या है। जो औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण सबसे ज्यादा वनों को नुकसान हो रहा है। फिर हम इसमें देखेंगे पशु चारण, ईंधन लकड़ी एकत्रित करना भी। फिर इनमें से देखें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदार नहीं करता है। तो इसमें जैसे दिया है संयुक्त प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाव, वन्य जीव, पशु एवं विहार का परिसीमन। तो इसमें है वन सबसे ज्यादा संरक्षण का सही तरीका क्या है, पशु विहार का परिसीमन करना, जिससे कि वन एवं वन्य जीव दोनों का संरक्षण किया जा सके। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सही जोड़ी दिए हुए हैं। तो सही जोड़ी में काला हिरण, संकटग्रस्त स्थिति में एशियाई हाथी, सुबेद है, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है, हिमालय भूरा भालू जो है वह भी दुर्लभ है, और गुलाबी सिर वाली बतख भी करीब करीब लुप्त तो हो चुकी है। फिर देखेंगे फिर एक और सही जोड़ी है। यहाँ पर भी देखिए आरक्षित वन में कौन कौन सी चीज आती है, वन वन्य जीव, और जिसमें सर्वाधिक मूल्यवान वन है। रक्षित वन में भूमि, वह भूमि जो भी अधिक क्षरण से बचाई जा सके, और आवर्गीकृत भूमि में वन और बंजर भूमि है। फिर है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी है 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक एक चक्र चलता है, जिसमें कि वनस्पति हास होती है और उसका उत्पन्न भी होता है। फिर यहाँ मानवीय क्रिया निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति प्राणी के हास का कारण बनती है, इसकी क्या कारण है। इसमें है अब मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए उसके अधीन होकर ईंधन और कृषि संबंधी जो वृक्ष हैं या वनों का, कृषि के लिए भी वनों के अंधाधुंध कटाई करता है, खेती करने के लिए अपने आवास बनाने के लिए भी प्राकृतों का विनाश करता है। ये सारी चीज़ें जो है वह भी वनस्पति जाति प्राणी जाति के हास के कारण बनती हैं। फिर है प्रश्न, भारत में समुदायों के किस प्रकार वनों और वन जीव संरक्षण रक्षण में योगदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले राजस्थान के लोगों को जो सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया गया है, जिसमें सफलता मिली है। फिर हमारा क्षेत्र में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिससे वृक्षों की कटाई रोकने का प्रयास किया गया। फिर राजस्थान में भी अलवर जिले में 5 गाँवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि में भैरवदेव डाकअप सेंचुरी बनाई, जिसमें कि वहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित किया और बाहरी लोगों को घुसपैठ पर रोक लगा दी गई थी। तो उसी तरह से वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और वट। फिर भारतीय लोग पशुओं को पवित्र मानकर भी पूजते हैं, जैसे विभिन्न देवताओं के साथ जोड़कर नाग को, शिव को, मोर को, लंगूर को, ये सबको किसी न किसी भगवान के साथ जोड़कर उनकी रक्षा की जा सकती है। और इसमें आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में वनों को देवी देवता को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है, और राजस्थान में भी इस तरह की क्षेत्रों को वाणी कहा जाता है। फिर वन और जीव संरक्षण के सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए, जिसमें देखेंगे जनजाति लोग जो प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं, और इन विश्वासों में विभिन्न वनों को मूल कॉमन के रूप में बचाकर रखा गया है। जैसे पवित्र पेड़ों को झुरमुट में देवी देवता कहते हैं, फिर भाग इनको इनको कई भागों में बांटते हैं। वनों में ऐसे बड़े भाग होते हैं जो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से भी इनका संरक्षण करते आ रहे हैं। उसी तरह से कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। अनेक संस्कृतियों के अंतर्गत भी इन कृतियों को संरक्षित किया जाता है। भारतीय झरनों, पहाड़ों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण करते आए हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये सारे जो हैं ये प्रश्नों के उत्तर हैं। आप लोगों को ये कॉपी में लिखना है और इसे करना है।